हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिलेशन, जैसे कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, व्हाट इज इक्विवेलेंस ऑफ रिलेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, डोमेन, रेंज एंड को डोमेन क्या होता है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को बहुत सारे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स के साथ कवर करेंगे, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और आने वाला जो हमारा वीडियो फंक्शंस का है उसमें आपको बहुत आसानी हो जाए। और ये सारा का सारा कंटेंट इट्स एब्सोल्युटली फ्री, सो गाइज प्लीज़ मोटिवेट मी बाय पुशिंग द सब्सक्राइब बटन। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था व्हाट इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है। अगर मैं दो सेट्स, सेट ए और सेट बी लेकर चलती हूँ, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट बनेगा इन द फॉर्म ऑफ ए बी, जहाँ पर ए बिलोंग करता है सेट ए से और बी बिलोंग करता है सेट बी से। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स अगर हमें काउंट करने हैं इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 raised to power p cube, वेयर p इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड q इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b। ये हम लोग लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। और r क्या है, r इज द रिलेशन फ्रॉम सेट a टू सेट बी, जिसके एलिमेंट्स को हम लिख सकते हैं ए इज रिलेटेड टू बी विद सम प्रॉपर्टी। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी है, क्योंकि इन ऑर्डर्ड पेयर में से कुछ पेयर ऐसे होंगे जो एक दूसरे से किसी न किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होंगे, तो वो सारे के सारे सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दैट विल मेक द रिलेशन। एंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, दैट इज गिवन बाय 2 raised to power p cube, क्योंकि जितने मैक्सिमम इसके सबसेट होंगे उतने ही, क्योंकि रिलेशन वाला जो सेट होगा दैट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन दैट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ द सबसेट्स ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। तो ये हमारा क्या है, रिलेशन के टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस को हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं 2 raised to power p cube। अच्छा, जो रिलेशन में होते हैं दो एलिमेंट जो हमारी ऑर्डर्ड पेयर है, तो हमें हम उसको हमेशा ए आर बी की फॉर्म में लिखते हैं। अगर मैं यहाँ से आर हटा देती हूँ, सिंपली ए बी लिखती हूँ, तो दिस विल नॉट बी द रिलेशन। ये हमें क्या बताता है, इट विल शो द ऑर्डर्ड पेयर। अगर मैं बीच में यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखती हूँ आर, तो ए इज रिलेटेड टू बी विद प्रॉपर्टी आर, तो दैट विल मेक द रिलेशन। नेक्स्ट है हमारा इनवर्स ऑफ रिलेशन। इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या है, उसके लिए अगेन मैं यहाँ पर दो सेट लेती हूँ, सेट ए और सेट बी। सेट ए सपोज 1, 2, 3, सेट बी हमारा 4, 5, 6, 7 कुछ भी ले सकते हैं। अगर मैं कहती हूँ इसके एलिमेंट्स हमारे ए की फॉर्म में है, इसके एलिमेंट्स हमारे बी की फॉर्म में है, अगर मैं कहती हूँ ए इज रिलेटेड टू बी विद सम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मैं नाम लिख देती हूँ इज लेस देन, तो उसका जो हमारा सेट बनेगा तो दैट विल बी आर इक्वल कितना आ जाएगा, ए इज लेस देन 4, ए इज लेस देन 5, ए इज लेस देन 6, ए इज लेस देन 7। तो हम लोग ये सारे बना सकते हैं 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7। सिमिलरली 2 इज लेस देन 4, 2 लेस देन 5। तो हमारे सारे के सारे सेट ए के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, स्मॉलर देन सेट बी, तो हम इसे सबको लिख सकते हैं 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, देन 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7। तो ये सारा का सारा जो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आया दैट इज द सेट ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इतना आप लोगों को समझ आया, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी किया। अब देखिए, जैसे ए के सारे एलिमेंट्स बी से रिलेटेड हैं, यानी कि ए इज लेस देन बी, तो हमारे बी के भी तो एलिमेंट्स ए से रिलेटेड हुए विद सम प्रॉपर्टी। अगर ये लेस देन है तो ये भी तो ग्रेटर देन हुए, तो हम इसको लिख सकते हैं बी इज रिलेटेड टू ए विद सम प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी क्या है, इज ग्रेटर देन। तो हमारा जो सेट ऑफ रिलेशन बनेगा दैट विल बी रिवर्स रिलेशन, जिसको हम लिखेंगे बी ए, ऑर्डर्ड पेयर हमारा अब रिवर्स हो जाएगा बी ए, वेयर B belongs to B and A belongs to A। समझ आ गया आप लोगों को? तो दिस इज द रिवर्स रिलेशन जिसके ऑर्डर पेयर हमारे बी ए के फॉर्म में होंगे, और हम इन पेयर्स को इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा था 1 4 1 5 1 6, तो हमारा यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा 4 1 5 1 6 1 7 1 एंड सो ऑन। हम सारे के सारे यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि 1 4 का 4 1 हो जाएगा, 1 5 का 5 1, 1 6 का 6 1, 1 7 का 7 1। तो इस तरीके से हम सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स को हम सब कुछ रिवर्स कर देंगे। सो दिस इज द रिवर्स या इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। अब हम इनवर्स ऑफ रिलेशन को समझने के लिए यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल्स लेकर चलते हैं। फर्स्ट आपको दिया हुआ है द रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज ए बी वेयर ए इक्वल्स टू 2b, एंड वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ रिलेशन एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स। तो सबसे पहले हम लोग आर को एक रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि हमें गिवन है यहाँ पर a इक्वल्स टू 2b, तो इसको हम लोग बनाएंगे तो 1 यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, देन आपका 2 यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3 तो इधर 6 आ जाएगा, एंड 4 तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, एंड सो ऑन, क्योंकि ये आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर गिवन है। तो इस तरीके से हम लोग इसका रिलेशन बना सकते हैं। अगर ये रिलेशन है तो अब वी हैव टू फाइंड आर इनवर्स। तो आर इनवर्स क्या होगा? अगर ये ए बी की फॉर्म में है तो हमारा आर इनवर्स क्या होता है, बी ए की फॉर्म में होता है, यानी कि जो हमारा यहाँ पर सेकेंड सेट के एलिमेंट्स हैं वो हमारे फर्स्ट सेट में आ जाएंगे। तो 1 2 2 4, देन 3 6, देन 4 8, एंड सो ऑन, दैट विल बी आवर आर इनवर्स। अब हमें यहाँ पर बताना है व्हाट विल बी द डोमेन एंड व्हाट विल बी द रेंज ऑफ आर इनवर्स। अगर मैं यहाँ पर आर के डोमेन की बात करती हूँ तो डोमेन में आपका 2 4 6 8 ये हमारा डोमेन है आर के लिए, और आर के लिए रेंज क्या है, अगेन 2 4 6 8, यानी कि जो हमारा डोमेन होगा, डोमेन ऑफ आर, दैट विल बी इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स। सिमिलरली हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारे आर की रेंज है 1 2 3 4, यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर वो हमारे यहाँ पर क्या बन गए, डोमेन 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यानी कि रेंज ऑफ आर दैट विल बी इक्वल टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, आपको गिवन है यहाँ पर आर विद द रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए सेट हमें दिया हुआ है 1 2 3 4, इसके एलिमेंट्स हैं, टू सेट बी जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5, ए बी की फॉर्म में हमारे ऑर्डर पेयर है विच बिलोंग्स टू आर, इफ ए इज लेस देन बी देन वी हैव टू फाइंड आर इनवर्स। फॉर्म में लिख सकते हैं आर इक्वल टू, क्योंकि ए लेस देन बी है तो 1 is less than 1 नो, तो 1 3 के साथ हमारा रिलेट होगा, देन आपका 1 5 के साथ रिलेट होगा, देन आपका 2 1 के साथ नहीं होगा क्योंकि 2 is greater than 1, देन 2 3 के साथ होगा, 2 5 के साथ होगा, देन 3 5 के साथ होगा, फिर 4 5 के साथ होगा। इस केस में हमारा जो डोमेन है तो वो हमारा क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमारा क्या है डोमेन, और रेंज क्या है आर की, हम लोग अभी आर को ही देख रहे हैं, तो रेंज क्या है हमारी 3 5, जस्ट 3 and 5, that is the range। अब हम लोग R इन्वर्स की बात करते हैं, इन्वर्स रिलेशन की बात करते हैं, तो हमारा डोमेन रेंज बन जाता है और रेंज हमारे डोमेन। तो हम सारे ऑर्डर पेयर को BA की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये AB की फॉर्म में है, हमें यहाँ चाहिए BA की फॉर्म में। 3 1 देन 5 1 देन 3 2 देन 5 2 देन 5 3 देन 5 4। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इन्वर्स रिलेशन, जिसमें अगर मुझे अब डोमेन को कैलकुलेट करना है तो डोमेन क्या होगा हमारा 3 एंड 5 ओनली, 3 एंड 5, और रेंज क्या होगी हमारी, रेंज के लिए 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 दैट विल बी रेंज। तो क्लियरली हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन वाला सेट है उसका जो डोमेन है वो हमारे इन्वर्स रिलेशन की रेंज है, और जो इसका रिलेशन वाले सेट की जो रेंज है वो हमारे इन्वर्स रिलेशन का डोमेन है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट इज द आइडेंटिटी रिलेशन, देन यूनिवर्सल रिलेशन एंड देन वॉइड एंड एम्प्टी रिलेशन। तो पहला हम लोग लेकर चलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, इसको समझने के लिए मैं एक सेट लेती हूँ, सेट A इक्वल 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं इसमें। तो आइडेंटिटी रिलेशन जिसको हम IA के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इक्वल्स टू AA वेयर A बिलोंग्स टू A, यानी कि सेट A का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, तो दैट विल मेक द आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे कि यहाँ पर मैंने सेट A लेकर चली हूँ 1 2 3, तो यानी कि 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 2 से, और 3 3 से। तो हमारा यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन क्या बनेगा, दैट विल बी 1 1 2 2 3 3। तो दिस सेट विल बी ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन। अगर मैं एक दूसरा सेट यहाँ पर लेकर चलती हूँ, मान लिया सेट B है मेरे पास, जिसको मैं लिखती हूँ 1 1 2 2 दैट सेट, तो विल इट बी आइडेंटिटी रिलेशन? नो, इट विल नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन, क्योंकि हर एक एलिमेंट नहीं यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर 1 1 से है, 2 2 से है, बट 3 इज मिसिंग इन दिस सेट। सो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बनाएगा, वो तभी बनाएगा जब सारे के सारे एलिमेंट्स आपके इसके अंदर मौजूद हैं। सो दिस विल बी द आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट इज द यूनिवर्सल रिलेशन, जिसको हम लोग लिख सकते हैं R इक्वल टू A क्रॉस A, यानी कि A का खुद से कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो सेट हैं A क्रॉस A, सेल्फ से कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो जो भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आएंगे वो सारे के सारे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे, यानी कि R में सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे A क्रॉस A के। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, अगेन हमें यही सेट दिया हुआ है 1 2 3, और मैं यहाँ पर एक सेट लेकर चलती हूँ, रिलेशन लेकर चलती हूँ, दैट इज़ AB where A minus B mode is greater than equal to 0. Suppose this is the set of relation. तो हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर A क्रॉस A बनेगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हर एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए हमारी यह प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। 1 - 1 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 - 2 - 1, -1 का मोड क्या होता है 1 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 - 3 अगेन -2 का मोड 2 दैट इज ग्रेटर देन 0। तो ईच एलिमेंट दैट शोज दिस प्रॉपर्टी, तो हर एक एलिमेंट हमारा रिलेशन में है, तो इसे हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, विच विल बी गिवन बाय R इक्वल्स टू A क्रॉस A। नेक्स्ट इज द वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। वॉइड या एम्प्टी रिलेशन क्या है, अगेन मैं सेम सेट लेकर चलती हूँ 1 2 3, ये मेरा एक सेट है। अगर मैं कहती हूँ आर इक्वल टू ए बी वेयर ए माइनस बी इक्वल्स टू 6, मैंने एक प्रॉपर्टी यहाँ पर दे दी कि मेरा a माइनस बी 6 के इक्वल होना चाहिए। तो कोई भी एलिमेंट, जितने भी हम लोगों ने यहाँ पर a क्रॉस a बनाया था, कहीं पे भी a माइनस बी 6 के इक्वल है? नो, देयर इज नो सच एलिमेंट जो कि इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता हो। तो हमारा r क्या हो जाएगा? दैट इक्वल्स टू 5, यानी कि नल सेट। सो दिस विल बी द वॉइड या एम्प्टी रिलेशन, जहां पर a का खुद के किसी भी एलिमेंट से रिलेशन नहीं है। तो दिस विल बी द वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। और हर एक एलिमेंट का उस सेट के हर एक एलिमेंट से रिलेशन है तो यूनिवर्सल रिलेशन, और हर एक एलिमेंट का सिर्फ खुद से रिलेशन है तो दैट विल मेक द आइडेंटिटी रिलेशन। तो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव, सेकेंड इज सिमेट्रिक एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, इसको जानने के लिए अगेन आई विल टेक वन सेट। सेट ए इज 1 2 3, ये हमारे पास एक सेट है। तो जैसे कि हम लोगों ने आइडेंटिटी रिलेशन में देखा कि उस सेट का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड था, तो दैट वाज द आइडेंटिटी रिलेशन। तो सिमिलरली हमारा जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा तो उसमें भी हर एक एलिमेंट का फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू ए, यानी कि हर एक एलिमेंट, फॉर ऑल मतलब कि हर एक एलिमेंट हमारा मौजूद होना चाहिए उस सेट में जिसका खुद से रिलेशन हो, यानी कि 1 1 2 2 और 3 3। तो दिस विल बी द सेट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन भी है क्योंकि हर एक एलिमेंट हमारा खुद से रिलेटेड है। चलिए खुद कुछ और हम लोग यहाँ पर रिलेशन लेकर चलते हैं, कुछ और सेट, ताकि हमें क्लियरली ऑब्जर्व हो जाए कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या डिफरेंस है। सपोज R1 इज अ सेट ऑफ 1 1 2 2 3 3 1 2, R2 is a set of 1 1 2 2 1 2, R3 is set of 1 1 2 1 2 2,3 3 3 1। ये हमारे पास गिवन 3 सेट्स और हैं। तो इसको तो हम लोगों ने देखा कि हमारा ये रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है क्योंकि हर एक एलिमेंट खुद से बिलोंग करता है, खुद से रिलेट है। अगर मैं R1 की बात करती हूँ तो यहाँ पर आप देखो कि 1 1 1 यानी कि खुद से बिलोंग करता है, 2 खुद से बिलोंग करता है, 3 खुद से बिलोंग करता है, यानी कि सारे एलिमेंट्स हमारे यहाँ पर खुद से रिलेट हो गए। इसके अलावा वी हैव सम एक्स्ट्रा पेयर, तो जब हमारे पास अगर कोई एक्स्ट्रा पेयर है तो हम उसको बॉर्डर नहीं करेंगे। अगर सारे एलिमेंट्स हमारे खुद से रिलेट हो गए, इसका मतलब दैट इज एनफ टू मेक दैट रिलेशन रिफ्लेक्सिव। तो यानी कि ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट दिया हुआ है। आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ वो ही एलिमेंट्स मौजूद हो सकते हैं जिनका खुद से रिलेशन है, नो अदर एक्स्ट्रा एलिमेंट शुड बी देयर। लेकिन रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखो R2 में 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, लेकिन 3 वाला यहाँ पर मिसिंग है। 3 वाला कॉन्सेप्ट 3 3 से रिलेटेड नहीं है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है और ना ही ये आइडेंटिटी है क्योंकि आइडेंटिटी में भी हमारी पहली कंडीशन तो यही है कि सारे एलिमेंट्स खुद से रिलेट होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है। इसके अलावा वी हैव सम एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऑल्सो। तो अगेन ये सेट हमारा आइडेंटिटी तो नहीं होगा बिल्कुल भी क्योंकि हमारे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स मौजूद है यहाँ पर, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि सारे एलिमेंट खुद से रिलेट हो रहे हैं, सो इट विल बी रिफ्लेक्सिव। सो नेक्स्ट इज द सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर A रिलेटेड टू B है तो B should be related to A। जैसे अगर मैं कहती हूँ L1 is perpendicular to L2, हमारे पास ये दो लाइन्स हैं, अगर वन लाइन इज परपेंडिकुलर टू अदर तो हमारी L2 भी परपेंडिकुलर होगी किससे, L1 से। तो ये हमारा जो सेट हुआ ये क्या हुआ, हमारा सिमेट्रिक हुआ। एक और लेकर चलते हैं, सपोज सेट A हमें गिवन है 1, 2 और मुझे एक सेट R दिया हुआ है 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1। तो इसमें आप देखो 1, 1 से रिलेटेड है, ठीक है, 1 ये इससे रिलेटेड है तो ये इससे रिलेटेड है, 2, 2 से रिलेटेड है तो 2, 2 से रिलेटेड है, 1, 2 से रिलेटेड है तो यहाँ पर 2, 1 से रिलेटेड है। तो ये क्या है, सिमेट्रिक। तो वेयर A is related to B, similarly B is related to A, तो that is symmetric, जिसको हम लोग दूसरे सेंस में यहाँ पर लिख सकते हैं R equals to R inverse, so this will be the symmetric। नेक्स्ट इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या होता है ट्रांजिटिव में है, अगर A किसी प्रॉपर्टी से B से रिलेटेड है और B उसी प्रॉपर्टी से C से रिलेटेड है तो A भी उसी प्रॉपर्टी से C से रिलेटेड होगा। हम लोग एक एग्जांपल लेकर चलते हैं यहाँ पर, सपोज आई हैव 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर x, y, z और मैं एक प्रॉपर्टी यहाँ पर रिलेशन बनाती हूँ इज लेस देन। तो इसका मतलब है इफ़ x इज लेस देन y, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं तो अगर x y से लेस है देन y विल बी लेस देन z एंड देन x विल बी लेस देन z ऑल्सो। तो यानी कि a इज रिलेटेड टू b, यानी कि a इज लेस देन b, b इज लेस देन c एंड a इज ऑल्सो लेस देन c। तो हमारी ये प्रॉपर्टी क्या हो रही है यहाँ पर, सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये जो रिलेशन बनेगा x y z का, दैट विल बी द ट्रांजिटिव रिलेशन। सपोज मैं यहाँ पर L1, L2 एंड L3 तीन पैरेलल लाइंस लेकर चलती हूँ। इफ़ L1 इज पैरेलल टू L2, अगर हमारी L1 L2 के पैरेलल है और L2 इज पैरेलल टू L3 और ये हमारी L3 के पैरेलल है तो L1 और L3 भी आपस में क्या है यहाँ पर, पैरेलल हैं। यानी कि L1 पैरेलल टू L2, L2 पैरेलल टू L1 एंड L1 पैरेलल टू L3। तो ये हमारे जो सेट ऑफ लाइंस हुई पैरेलल लाइंस, दैट विल आल्सो मेक अ ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं यहाँ पर कि जो हमें यहाँ पर गिवन रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो हमें यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है, सेट A इक्वल 1, 2, 3, 4 up to 14 और रिलेशन हमें दिया हुआ है ये सेट कि x y वेयर 3x - y = 0। सबसे पहले मैं रिलेशन वाले सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं हम इसको, तो 3x - y = 0। तो यानी कि x की कोई भी हम लिख सकते हैं कि 3x = y, तो y की वैल्यू को पुट करने के लिए मैं x की वैल्यू पुट करती हूँ। 1 के साथ क्या आ जाएगा 3, 2 के साथ क्या आ जाएगा 6, 3 के साथ आ जाएगा हमारा 9, 4 के साथ आ जाएगा हमारा 12, 5 के साथ 15 आएगा, लेकिन वो हमारे इस सेट में नहीं है अवेलेबल। तो हमारा ये टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स बने इस सेट के, तो हमारा 1, 3, 2, 6, 3, 9 एंड 4, 12। अब इसमें देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए, 1 का 1 से चाहिए, 2 का 2 किससे चाहिए, 3 का 3 से चाहिए, वो कहीं पर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो यानी कि ये सेट हमारा, ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखिए यहाँ पर 1, 3 है तो कहीं 3, 1 है, नो, 2, 6 है, 6, 2 है, नो, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। फिर आ जाओ ट्रांजिटिव, अगर 1, 3 से बिलोंग करता है और यहाँ पर 3, 9 से बिलोंग करता है तो क्या कहीं पर 1, 9 से बिलोंग कर रहा है, नो, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सेट ए दिया हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 से लेके अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारे सारे नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर। हमें एक रिलेशन का सेट दिया हुआ है एक्स वाई वे वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4। तो अगेन मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेती हूँ हमारी आसानी के लिए। y की कोई भी वैल्यू, y की वैल्यू हमारी हो सकती है 1 2 3, तो 1 के साथ हो सकता है, 2 के साथ हो सकता है और हमारा 3 के साथ हो सकता है y के साथ। अब हमारा y क्या होगा, x प्लस 5, तो यानी कि 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 5 यानी 7, 3 प्लस 5 यानी कि 8। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए जो कि हमारे इस सेट के एलिमेंट्स हैं। अब हमें देखना है कि ये एक रिलेशन में है या नहीं, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो 1 को इसमें क्या है, नेचुरल नंबर्स है ना हमारे 1 2 3, तो 1 1 से रिलेट होना चाहिए, 2 2 से रिलेट होना चाहिए और 3 3 से रिलेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगेन ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए आ जाते हैं, 1 6 से रिलेट है, तो क्या 6 1 से है, नो। 2 7 से है, तो क्या 7 2 से है, नो। तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। नेक्स्ट इज द ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए 1 6 से रिलेट है, 6 किसी और एलिमेंट से रिलेट नहीं है, 2 7 से है, 7 किसी और से नहीं है। तो कोई भी एलिमेंट A रिलेटेड B, B रिलेटेड C एंड A रिलेटेड C का कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो यानी कि ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं जिससे आपको यह पूरा कॉन्सेप्ट के सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव क्या होता है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं जिसमें आपका वो रिलेशन सिमेट्रिक तो है बट वो रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऐसा कौन सा रिलेशन हो सकता है? सपोज आप लेकर चलो सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। हमारे पास ये L1 और L2, हमारे पास ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो इफ़ L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2, तो इसका मतलब L2 भी हमारी परपेंडिकुलर होगी किससे, L1 से। तो इसका मतलब अगर A रिलेटेड टू B है एंड B रिलेटेड टू A है, तो इसका मतलब वो हमारा रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। लेकिन ये लाइन L1 खुद की तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, L2 भी खुद की परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि दैट एलिमेंट डज नॉट रिलेट टू इटसेल्फ। अब आ जाओ ट्रांजिटिव के लिए। अगर हम कहते हैं कि L1 परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, मान लीजिए ये हमारी L3 लाइन है और L2 हमारा परपेंडिकुलर टू L3 है, तो क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर है, नो। इसका मतलब कि अगर हमारा A रिलेटेड टू B है, B रिलेटेड टू C है बट A इज नॉट रिलेटेड टू C, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं हुआ। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि द रिलेशन विच इज ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ऐसा कोई रिलेशन बताना है जो कि ट्रांजिटिव तो है लेकिन ना ही वो रिफ्लेक्सिव है और ना ही वो सिमेट्रिक है। सपोज आई टेक अगेन द नेचुरल नंबर, सीक्वेंस में हम लोग लेकर चलते हैं एक्स वाई जेड, ये सीक्वेंस में मैंने नेचुरल नंबर लेकर चल रही हूँ, कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर, जिसमें मैं रिलेशन लगाती हूँ इज स्मॉलर देन या इज लेस देन, इज लेस देन। तो इसका मतलब क्या है, x इज लेस देन y, y इज लेस देन z एंड x इज लेस देन z। तो इसका मतलब क्या है, a रिलेटेड टू b, देन B रिलेटेड टू C एंड A रिलेटेड टू C। इसका मतलब ये हमारा जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है। अब ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, क्या X X से स्मॉलर हो सकता है, नो। Y Y से स्मॉलर हो सकता है, नो। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक में आ जाओ, अगर X Y से स्मॉलर है तो क्या y x से स्मॉलर होगा, इज दैट पॉसिबल, नो। तो इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, हमें ऐसा रिलेशन बताना है जिसमें वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो हो लेकिन वो ट्रांजिटिव नहीं हो। तो अगेन यहाँ पर मैं एक सेट लेकर चलती हूँ, सेट A इक्वल्स टू 1 2 3 और मान लिया मुझे एक दूसरा सेट R दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हैं आपके 1 1 1 2 2 2 2 1 and 3 3। मान लिया ये एलिमेंट्स आपको गिवन है। अब इसमें आप देखिए कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। आप अगर मुझे रिफ्लेक्सिव चाहिए तो यानी कि 1 शुड बी रिलेटेड टू 1, 2 शुड बी रिलेटेड टू 2 एंड 3 शुड बी रिलेटेड टू 3। तो 1 1 से रिलेट कर रहा है, 2 2 से कर रहा है और 3 3 से कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब ये सिमेट्रिक है या नहीं, 1 2 से रिलेट कर रहा है तो क्या 2 1 से रिलेट कर रहा है, यस कर रहा है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। लेकिन ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए कि ए बी से रिलेट करे, बी सी से करे और ए सी से करे। 1 2 से कर रहा है, ठीक है, 2 1 से 2 3 से करना चाहिए, तो 2 3 से कर रहा है, कहाँ पे नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसे ही हमारा ये नेक्स्ट केस है कि हमें ऐसा रिलेशन चाहिए कि वो हमारा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है लेकिन वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगेन मैं सेट ए लेकर चलूँगी 1 2 3 और रिलेशन मुझे गिवन है इसका सेट ए और बी की फॉर्म में, वेयर मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि ए माइनस बी मोर दैट इज़ लेस देन इक्वल टू 2 बट ग्रेटर देन 0। तो मेरी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई यहाँ पर करनी चाहिए। तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखती हूँ तो दैट विल बी इक्वल टू, अगर मैं 1 लिखती हूँ तो a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 2, तो हमारा लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन 0, तो हमारा यहाँ पर 1 1 नहीं आएगा, 1 2 हमारा आ सकता है, 1 2 देन 1 3 आएगा, यस, देन 2 1 आएगा, यस आएगा, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा क्योंकि 2 - 2 0 जाएगा, हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, 2 3 आएगा, यस 2 3 आएगा, फिर 3 1 आएगा, यस आएगा, 3 1 3 2 देन 3 3 आएगा, नो, क्योंकि वो हमारा डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो हमारा ये सेट बना। अब इसको देखना है सिमेट्रिक है या नहीं। 1 2 है, 2 1 है, 1 3 है, 3 1 है, 2 3 है, 3 2 है, तो ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोगों ने देखा यहाँ पर 1 2 से रिलेट कर रहा है, 1 2 से, 2 3 से और हमारा 1 3 से, यानी कि अगर मैं 1 2 और 3 लेकर चलती हूँ तो 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 3 से कर रहा है और हमारा 1 3 से रिलेट कर रहा है, तो ये क्या हुआ हमारा ट्रांजिटिव। सिमिलरली इन पेयर में भी हम देख सकते हैं, अगर 3 2 से रिलेट कर रहा है और 2 हमारा किससे रिलेट कर रहा है, 2 हमारे यहाँ पर 1 से रिलेट कर रहा है, तो हमारा 3 भी यहाँ पर किससे रिलेट कर रहा है, 1 से रिलेट कर रहा है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो हमारा रिलेशन है वो हमारा ट्रांजिटिव भी है। लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए, 1 1 से, 2 2 से और 3 3 से। क्या वो आपस में रिलेट कर रहे हैं, नो, ना तो 1 1 से कर रहा है, ना 2 2 से कर रहा है, ना ही 3 3 से कर रहा है। इसका मतलब ये जो रिलेशन हमारा बना है ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो नेक्स्ट इज आवर इक्विवेलेंस ऑफ रिलेशन। इक्विवेलेंस ऑफ रिलेशन तब होता है जब कोई भी गिवन रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशंस को वो सेटिस्फाई करता है, देन द रिलेशन इज सेट टू बी इक्विवेलेंस ऑफ रिलेशन। इसको हम लोग बहुत ईजिली डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। सपोज आई हैव 3 सिमिलर ट्राइंगल्स, मान लिया ये T1 है, ये हमारा T2 है और ये हमारा T3 है, जो कि आपस में क्या है, ये सिमिलर हैं। सेट ऑफ 3 सिमिलर ट्राइंगल्स T1, T2 एंड T3। अब हमें ये देखना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन में है या नहीं है। तो हमें पता है रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि वो एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए। तो क्या T1 T1 से सिमिलर है, यस, T2 T2 से सिमिलर रहेगा, यस, और ये वाला ट्रायंगल खुद का सिमिलर है, यस, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक में देखते हैं, अगर T1 हमारा सिमिलर है T2 से तो इसका मतलब T2 भी तो सिमिलर है हमारा T1 से। सिमिलरली T2 अगर T3 से सिमिलर है तो T3 भी सिमिलर है T2 से। तो हमारे ये कंडीशन फॉलो करती है तो इट विल बी सिमेट्रिक। अब हम देखते हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं। अगर हमारा T1 सिमिलर है T2 से, T2 सिमिलर है हमारा T3 से, तो हम कह सकते हैं T1 भी सिमिलर है हमारा T3 से। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा ये वाला रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो हमारे तीनों रिलेशंस की प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब ये जो हमारा रिलेशन में है तीनों ट्रायंगल, दैट विल बी इन इक्विवेलेंस ऑफ रिलेशन। नेक्स्ट हमें शो करना है कि एक रिलेशन R इन द सेट Z ऑफ इंटीजर इज गिवन बाय R इक्वल्स टू ए बी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, वेयर 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। तो जो ये हमें सेट दिया हुआ है इसके एलिमेंट्स रिलेशन में है, इक्विवेलेंस रिलेशन में है या नहीं ये हम लोग को देखना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमारी तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि वो जो रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, इसके अलावा वो ट्रांजिटिव भी हो। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इज दिस आर रिलेशन जो हमें गिवन है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। हमें एक गिवन है सेट ऑफ इंटीजर्स, सारा का सारा सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो हमारा जो आर है इंटीजर्स के केस में ए रिफ्लेक्सिव कब होता है, अगर वो एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैं बी को ए के इक्वल पुट करती हूँ तो ए माइनस ए विल बी ज़ीरो। तो हर ए माइनस ए इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए, तो ज़ीरो तो डिविजिबल है हमारा 2 से, 0.2 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये हमारा प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव के लिए येस। तो यानी कि रिफ्लेक्सिव है हमारा ये रिलेशन, रिफ्लेक्सिव है क्योंकि फॉर ईच एलिमेंट ए माइनस ए दैट विल बी ज़ीरो और ज़ीरो हमारा 2 से डिविजिबल है। अब आ जाओ नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए a माइनस बी, अगर मैं कोई भी इंटीजर लेके चलती हूँ 1 माइनस 3 तो 3 माइनस 1 भी हमारा 2 से डिविजिबल है। अगर मैं कहती हूँ 4 माइनस 6 दैट इज डिविजिबल बाय 2 तो 6 माइनस 4 भी डिविजिबल है। तो हर एक a माइनस बी के लिए दैट इज डिविजिबल बाय 2, तो हमारा b माइनस a भी 2 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक है, यस सिमेट्रिक भी है। अब हमें चेक करना है कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है या नहीं है। अगर मैं कहती हूँ कि a माइनस बी वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है, और नेक्स्ट हमारा जो इंटीजर है, कोई मैं एक इंटीजर लेके चलती हूँ जिसमें b माइनस सी वो हमारा 2 से डिविजिबल है। सपोज आई हैव 3 इंटीजर ए बी सी जैसे कि 1 2 3 4, क्योंकि इंटीजर है तो कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। तो अगर मैं 1 माइनस 3 दैट इज डिविजिबल बाय 2 लेकर चलती हूँ एंड 3 माइनस 5 दैट इज डिविजिबल बाय 2, तो मैं 1 3 5 में 3 इंटीजर लेकर चलती हूँ यहाँ पर, तो ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये ए माइनस बी है ये क्या है, इवन है क्योंकि अगर ये 2 से डिविजिबल है। b माइनस सी क्या है, ये भी इवन हुआ क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब दोनों का सम यानी कि a माइनस बी प्लस b माइनस सी ये भी इवन हुआ क्योंकि इवन प्लस इवन दैट विल गिव आउट इवन। तो दैट इज इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा a माइनस सी, इसका मतलब a माइनस सी भी इवन हुआ। तो अगर ये a माइनस सी इवन है तो ये भी हमारा 2 से डिविजिबल है। तो a माइनस बी 2 से डिविजिबल, b माइनस सी 2 से डिविजिबल और a माइनस सी 2 से डिविजिबल। इसका मतलब ये क्या है, रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। इसका मतलब क्या है, ये पूरा रिलेशन हमारा जो z के ऊपर यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स पे है, तो दैट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है कि सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 और आर इज अनदर सेट विच इज गिवन बाय ए बी वेयर ए माइनस बी इज इवन, यानी कि ये एक रिलेशन हमें गिवन है और सबसे पहले हमें पता लगाना है वेदर दिस रिलेशन इज इन इक्विवेलेंस और नॉट। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखती हूँ। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए मैं यहाँ पर एक सेट को खुद से क्रॉस करती हूँ क्योंकि हमारा सेट ए 1 2 3 4 5 है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब हमें पता लगाना है a माइनस बी इक्वल्स टू इवन, तो r दैट विल बी इक्वल टू a माइनस बी, यानी कि 1 को 1 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 1 1 को 2 से करेंगे तो नहीं आएगा। 1 को 3 से करेंगे यस, 1 3, फिर 1 को 4 से नो, 1 को 5 से यस 1 5, उसके बाद 2 को 1 से नो, 2 को 2 से यस 2 2 आ जाएगा, 2 को 3 से नो, 2 को 4 से यस, क्योंकि हमारा इवन आना चाहिए। जो डिफरेंस है वो या तो ज़ीरो हो या इवन, क्योंकि ज़ीरो भी हम इवन में काउंट करते हैं। फिर 2 को 5 से नो, फिर 3 को 1 से यस, 3 को 2 से नो, 3 को 4 से नो, 3 को 5 से यस, उसके बाद 4 को 1 से नो, 4 को 2 से यस, देन 4 को 3 से नो, 4 को 5 से नहीं, फिर 5 को 2 से नो, 5 को 3 से यस, 5 को 4 से नो, देन 5 को 5 से। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे बने किसके, सेट आर के। अब हमें चेक करना है वेदर दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस या नहीं। इक्विवेलेंस के लिए पहले मैं रिफ्लेक्सिव चेक करती हूँ। 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, 4 4 से रिलेटेड है, 5 5 से रिलेटेड है। तो हर एक एलिमेंट इस सेट का खुद से रिलेटेड है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। सेकेंड है हमारा सिमेट्रिक है या नहीं। 1 3 से रिलेट है तो क्या 3 1 से है, यस है। उसके बाद 1 5 से रिलेट है तो क्या 5 1 से है। 2 4 से है तो क्या 4 2 से है। 3 5 से है तो क्या 5 3 से है, यस है। तो ये हमारा क्या हुआ, सिमेट्रिक हुआ। उसके बाद हमें देखना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए अगर मेरा 1 3 से रिलेट है और 3 हमारा किसी और मेंबर से 3 5 से रिलेट है, 1 3 से रिलेट है, 3 5 से रिलेट है, तो 5 हमारा 1 से रिलेट है। सिमिलरली हम बाकी एलिमेंट्स को भी देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा इक्विवेलेंस में है। अब हमें देखना है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 1 - 3 मोड करते हैं तो दैट इज इवन, ठीक है, यानी कि 1 - 3। इसका मतलब 1 - 5 मोड करूंगी, दैट इज ऑल्सो इवन, या 3 - 5 हम करते हैं, दैट इज ऑल्सो इवन। ये सब के सब हमारे इवन नंबर्स आएंगे। इसका मतलब क्या है, ये सेट आपस में रिलेटेड है। अब इस सेट के सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं। अगर मैं 2 4 की बात करती हूँ तो 2 - 4 या 4 - 2 दैट इज इवन। तो इसका मतलब क्या है, इस सेट के एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं, जो कि ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। लेकिन अगर मैं 1 - 2 या 3 - 2 या 5 - 4 या 4 - 5 तो इस एलिमेंट को इससे रिलेट करने की कोशिश करती हूँ, तो कोई भी एलिमेंट इस तरीके से प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। इसका मतलब ये वाला जो सेट है वो इस सेट से रिलेटेड नहीं है। ये इस सेट के एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड हैं, इस सेट के एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड हैं, लेकिन ये सेट इस सेट से रिलेटेड नहीं है। So this was all about relations. In our next class we will start with functions. आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। सो ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है देन गेट बैक टू मी। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है और ये वीडियो पसंद आया है। सो प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच पाएँ। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।